अनुसंधान से यही तथ्य सामने आए कि ये चर्च से संबंधित लोग या मिशनरी के लोग गांव में आते हैं और एक प्रार्थना करने को कहते हैं और किसी न किसी तरह से ग्रामीणों को प्रभावित करते हैं और दूसरे धर्म के बारे में अपमानजनक शब्द बोलते हैं या उसकी बुराई करते हैं। मध्य प्रदेश बैतूल के भैंसदेही इलाके के उदामा गांव में शनिवार 19 फरवरी 2022 को साइबू इन्वे नाम के एक व्यक्ति के खेत पर लोगों को आमंत्रित किया गया। इस दौरान साइबू इन्वे, विजय जाधव, रुतबाई जाधव और डैनी माउल मिलकर लोगों को बहला फुसला कर उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में गलत गलत चीजें बता रहे थे। चारों आरोपित लोग उनके मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। लोग जिनको ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे वे सभी लोग आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। इस दौरान कुछ जागरूक लोगों ने ईसाई मिशनरियों के इस कृत्य की सूचना पुलिस को दे दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लोगों के पास से मिली ईसाई धर्म के प्रचारक की पुस्तकें, बाइबल और अन्य साहित्यों को जब्त कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दो आरोपित पति पत्नी है जो की महाराष्ट्र के कोठारा में रहने वाले है, जबकि अन्य दो आरोपी बैतूल जिले के ही रहने वाले है जो कि मिशनरियों से जुड़े हुए थे। लोग न केवल आदिवासियों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे थे बल्कि अन्य धर्मों के बारे में भी गलत गलत चीजें बता रहे थे। इसके लिए अब इन चारों लोगों पर आईपीसी की धारा 295A, 34 और ST/SC Act के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस के साथ पूछताछ के दौरान इन चारों ने अपना अपराध भी कबूल कर लिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, भारत के ग्रामीण विस्तारों में इस तरह की जागरूकता कम होने के कारण और आदिवासी लोगों की आर्थिक परिस्थिति का फायदा उठाकर ये मिशनरी सालों से ये काम करते आए हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया के चलते लोगों में पहले से ज्यादा जागरूकता दिख रही है। इसके आसपास भी अगर इस तरह की गतिविधियां होती है तो इसका विरोध जरूर करें और पुलिस को इसकी जानकारी दें, क्योंकि ये न केवल गलत है बल्कि असंवैधानिक भी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, वंदे मातरम।